गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड इन योर हाउस। आज हम पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट हिंदी एंड लेसन नंबर 9, निर्भय बनो। अब निर्भय बनो का मतलब क्या होता है कि आप किसी से मत डरो किसी भी चीज़ के लिए। इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म सन 1921 ईस्वी सन और निधन सन 1977 में हुआ था। अब हम इनके बारे में थोड़ी चीज़ें जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वरनाथ रेणु का इनका जन्म बिहार में हुआ था। कौन से जिले में? पूर्णिया जिले में औराही हिंगना गाँव में। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। कारावास भोगा, कुछ समय तक उन्हें आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार और रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। अब ये लेखक कहाँ रहते थे? बिहार के एक गांव में। उन्होंने अपनी शिक्षा और दीक्षा कहाँ पे ली थी? विराटनगर, जो कि आज के डेट में नेपाल में स्थित है, और कहाँ पे? वाराणसी में उन्होंने शिक्षा ली थी। अब भारत तथा नेपाल जब स्वाधीन हो गया और जो आंदोलन स्वाधीनता का आंदोलन सक्रिय हुआ था, तो उसके दौरान उसमें उन्होंने भाग लिया था और कारावास यानी जेल में भी गए हुए थे। और कुछ समय के लिए वह आकाशवाणी मतलब जैसे कि रेडियो पे होता है ना, उसी तरीके से आकाशवाणी में कार्यरत रहे। उनका पहला उपन्यास कौन सा था? मैला आंचल। उसके बाद पहले वो क्या लिखते थे? कहानी लिखते थे, जिससे जगत में उनको थोड़ा बहुत जाना जाता था, और उपन्यास यानी मेला आंचल के थ्रू वह बहुत ही ज़्यादा विख्यात हो गए थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को माननीय सहृदय तथा पूर्ण तटस्थ के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। अब रेणु जी के जो रचनाकार हैं, उनमें किस चीज़ की अनुभव हमें प्राप्त होती है? उनके ही जीवन की जो सुरूपता और कुरूपता है, मानव सहृदयता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। वह अपने ही जीवन रूप की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसे वह व्यक्त करते हैं। और उनकी बोलियाँ कैसी होती हैं? आकर्षकारक ध्यान आकर्षक होती है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल परती परिकथा जुलूस पलटू बाबू रोड कितने चौराहे आदि इतने उनके प्रमुख उपन्यास और उपन्यास में ये सारी चीज़ें। और ठुमरी अग्निखोर एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। यह जो चैप्टर है उनका कौन सा उपन्यास? 7 कितने चौराहे के उपन्यास के अंश से लिया हुआ है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश का उसका चित्रण किया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? जो सामाजिक विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक जो भी है मनमोहन जी है, उनका झुकाव किस तरीके से होता है, उनका चित्रण क्या है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियव्रत नाम का जो भी है, प्रियव्रत राय मैट्रिक में, यानी टेंथ क्लास को मैट्रिक पहले बोला जाता था, तो वह किस में पढ़ता है? मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। अब वो जो स्कूल था, उसके स्टूडेंट हो या वहाँ का मास्टर हो यानी टीचर हो, वह सभी उसको प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, जो वह छोटा सा जो कस्बा था, वह उसे सभी लोग जानते पहचानते भी थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुछिया वसूलने निकलता है। वह हर रविवार की सुबह में क्या करता था? एक झोली लटका लेता था। और सन्यासी आश्रम, सन्यासी लोग किस तरीके से मतलब एक मांग करके कोई भी चीज़ वसूल करने के लिए जाते हैं या लेने के लिए जाते हैं, तो उस तरीके से वह भी निकल उठता था। कभी अकेला कभी साथियों के संग। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। अब यहाँ पे जो प्रियव्रत है, प्रियोदा है, वह क्या करता है? कभी कभी वह अकेला, कभी कभी वह साथियों के साथ स्कूल में भी वसूलने के लिए निकल जाता है झोली लटका कर सन्यासी आश्रम में। स्कूल के कोई भी छात्र या शिक्षक कभी भी बीमार पड़ते थे, तो वह क्या करते थे? उस रोगी के घर पे ही अपनी टोली लेकर के पहुंच जाता था। और जब तक वह इंसान ठीक ना हो जाए, तो भला चंगा ना हो जाए, तब तक उसका जो दल था वह उसकी सेवा में लगा हुआ रहता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। प्रियोदा के दल में कौन कौन है? रोबी और कालू। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया था। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। अब ये लोग शनिवार की शाम को कहाँ पे इकट्ठे होते थे? बालूचर, उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल सभी के सभी इकट्ठे हो जाते थे। उसके दौरान सभी जो बच्चे थे या उस दल के जो लोग थे, वह खेल कूद गाना बजाना और दुनिया भर की जो भी खबरें होती थी उसे सुना देते। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने? किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे? अब वहाँ पे शनिवार के दिन रविवार का जो प्रोग्राम होता है उसे तय किया जाता है। कौन से मोहल्ले में कौन कौन जाएगा मुठिया वसूलने और किस बीमार की सेवा में कौन कौन जाएगा, यह सब उसका एक प्रोग्राम बना देते। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठटाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर
उसका मजबूत है, रोज 100 दंड बैठक करता है। दंड बैठक यानी कि उठक बैठक। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर गई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज का अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरू दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। सूरज ने भी सभी सुर से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक ताजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, टी बैग काल लोटा छले छीन। कृत्यान झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी। ट्रेन ठाए बालूचर ने उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरू बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दनली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़ कर चिल्लाए, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी आठवीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, तुम्हारा मुँह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वो जो गाली देते हैं वो ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीने बाद देरी से पूछता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इस रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँगा। ओके, यहाँ तक के हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। नाउ चेंज योर पेज। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतानियां नाचती हैं संतालियों की तरह झुंड बांध कर, क्यों डरने लगा।
अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना। इस तरीके से यह चैप्टर फिनिश होता है। ओके, आप सभी को इसमें शब्दार्थ और टिप्पणी पढ़नी है और इसके क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।